हाँ चलो, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या देखा था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं और से हमने देखा था कि फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके करेक्ट। तो हमने फैक्टर्स देखे और फैक्टर्स के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो देखा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था टू मेथड्स, ओके टू मेथड्स नहीं, ओनली वन मेथड वी हैव सीन, दैट इज मार्केट मैकेनिज्म। और मार्केट मैकेनिज्म कहाँ फॉलो होता है हमने एग्जांपल देखे थे, कहाँ, कौन से कंट्री ने डेवलप्ड ऐसे किया है, डेवलपमेंट ऐसे किया है मार्केट मैकेनिज्म, जापान और अमेरिका, यस यूएसए, अमेरिका एंड जापान, उन्होंने ऐसे किया था। क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट एक दो, कोई कंज्यूमर्स फीचर्स, हाँ हाँ हाँ, उसका क्या, किसको ध्यान में रख के ये पूरे डिसीजंस लिए जाते हैं, प्रॉफिट को ध्यान में रख के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्री इकोनॉमी। क्यों फ्री इकोनॉमी, रीजन होगा ना क्यों फ्री इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी इंटरफेरेंस होता नहीं है, इसलिए उसको फ्री इकोनॉमी कहते हैं। और कोई नाम नहीं, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट सिस्टम, ओके। सो यही ऐसे पॉइंट हो गए। देन सारे डिसीजंस कौन लेगा, किसके बेस पे लिए जाएंगे, प्रॉफिट पे बेस पे लेगा कौन डिसीजन, द कंपनी ओनर विल टेक द डिसीजन, ओके गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेगा, कंपनी ओनर रिसोर्सेस जो हो वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के वो डिसीजन लेते रहेगा, ओके। ये सारे फीचर्स हमने देखे, उसके प्रॉफिट भी देखे एंड उसकी लिमिटेशंस भी देख ली थी, राइट बाकी है लिमिटेशंस, दोनों बाकी है, सिर्फ फीचर्स देख रहे, ओके। सो फीचर्स हमने देख लिए हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्टर्स देख लिए हैं, मार्केट सिस्टम फीचर्स, यस करेक्ट। तो बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट, हाँ बेनिफिट्स हो गए, अच्छा ओके। अरे यार ये क्या पहले से कुछ से भी है, लिमिटेशंस ये हो गए श्योर, मैंने बोला था कि करना हो तो ये करते हैं अदरवाइज रहने देते हैं, आई थिंक बाकी है, बाकी है। हाँ तो यहां दिख रहा है, दिख रहा है, ओके चलो। सो बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, ओके। तो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के बेनिफिट, जैसे फीचर्स में मैंने बताया था कि जो मार्केट मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन था पूरा का पूरा वही चेप दिया था उन्होंने, कॉपी पेस्ट ही कर दिया था फीचर्स में, सिर्फ एक पॉइंट नया था, कौन सा, अपॉर्चुनिटीज चॉइसेस, बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलती है, क्यों, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है ना, उसको रूल कौन कर रहा है, कंपटीशन रूल करती है, ओके कंपटीशन के वजह से वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, रिसर्चेस होते रहते हैं, वो सब हमने देखा। तो जो इंट्रोडक्शन देखा वही फीचर्स में डाला हुआ था और वैसा ही बेनिफिट्स में ही आएगा, देखते हैं वन बाय वन। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम, भाई मार्केट सिस्टम में इकोनॉमिक फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब क्या, जिसको जो डिसीजन लेना हो वो ले सकता है एज ए इंडिविजुअल और एज ए प्राइवेट ग्रुप कंपनी, वो लोग ले सकते हैं, क्यों, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप इंटरफेरेंस है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ओके okay, तो वो इकोनॉमिकल, इसीलिए तो भाई फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, ओके okay, तो भाई इकोनॉमिकली फ्री है वो लोग, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी है इंडिविजुअल के पास मार्केट सिस्टम में। सेकंड, रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली, कि ये भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, क्या, कि जो भी रिसोर्सेज है उसका
फुल प्रूफ सारा का सारा ही यूज कर लो। क्यों? क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हें प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा दैट इज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करो क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग करना है। डन, तो फुल यूज करेंगे। देन थर्ड, एबंडेंट प्रोडक्शन मे बी डन। हाँ तो होगा ही भाई, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना है, रिसोर्सेस भी फुल है, कोई टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एबंडेंट प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। ये भी अंदर आ गया था पहले। न्यू एक्सप्लोरेशन, रिसर्च वाला, न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर। तो भाई ये भी हमने देख लिया था कि रिसर्चेस होते रहते हैं, तो यहां पर भी वही चीज है कि न्यू एक्सप्लोरेशन मतलब नए नए एक्सप्लोरेशन, रिसर्च टेक्निक मेथड्स फॉलो होती रहेगी, और इसी की वजह से ये जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीडी और फास्ट होगा। कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, सब वही है। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, ये भी आ गया था, सारे ही पॉइंट आ गए थे। देखो तुम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, तुम फीचर्स भी लिख सकते हो, बेनिफिट्स भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। क्या लिमिटेशंस है? तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेनी बेनिफिट्स, मार्केट सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। भाई बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, फास्ट इकोनॉमी ये वो सब कुछ सही है, लेकिन 100% परफेक्ट वो, मतलब परफेक्ट का मीनिंग ही 100% होता है, मतलब कि वो परफेक्ट सिस्टम नहीं है, इसमें भी फ्लॉज है। सबसे पहला फ्लॉज क्या? रिसोर्सेस का जैसा मन करे वैसा वो लोग यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और एक्सप्लोइटेशन होगा रिसोर्सेस का, नेचर का एक्सप्लोइटेशन होगा। ये तो हमें समझ में ही आता है कि भाई ऐसे बेफाम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? ये तो बहुत बड़ा, ये लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हमें ये पॉइंट तो लिख ही देना है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन कोई देखने वाला नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ओके, चलो देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, कॉमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कॉमोडिटीज ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज निग्लेक्टेड और रिड्यूस्ड। पहला लिमिटेशन क्या? कि भाई ध्यान में, दिमाग में, सेंटर में किसे रखा हुआ है? प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिट को रखा हुआ है तो फिर होगा क्या कि लग्जरियस आइटम जिसपे ज्यादा मार्जिन हो, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हो, ज्यादा प्रॉफिट मिलता हो, वैसा डेवलपमेंट, वैसी प्रोडक्ट की कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज मतलब थिंग्स, तो वैसी थिंग्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जो नेसेसिटी है रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन उसके रिलेटेड सर्विसेज का डेवलपमेंट कम होगा, उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा कि हाँ भाई है और थोड़ा बहुत करते रहेंगे लाइक दैट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कल मैंने तुम्हें कोको कोला और मिल्क की बात की थी, तुम गलती से कोको कोला बोल दी थी। ओके, तो मतलब क्या कि किसी को मेहनत करनी हो कि कोको कोला बेचनी है 50 रुपीज की और 50 रुपीज का मिल्क बेचना है, तो वो क्या बेचेगा अगर प्रॉफिट मेकिंग जा रहा है? तो कोको कोला बेचेगा, भाई बहुत ज्यादा मार्जिन है तो वो तो कोको कोला ही बेचेगा। लेकिन अगर सोसाइटी की बात करें या फिर पर्टिकुलरली कंट्री, सोसाइटी, समाज, सब कुछ तुम बात करो, हेल्थ के रिलेटेड बात करो, बेसिक नीड्स की बात करो, वो बेसिक नीड्स में नहीं है, ये बेसिक नीड्स में है। ओके, बेसिक नीड्स में तो है राइट, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा हमारा डिसीजन कि भाई मिल्क ले लो, 50 रुपीज का मिल्क सेल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक सेल नहीं करते हैं लाइक दैट। लेकिन क्यों वहां, क्यों वो चूज कर रहे हैं हम कोको कोला और से कोल्ड ड्रिंक? क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग सेंटर में है और वहां पर प्रॉफिट मेकिंग सेंटर में नहीं है, सोसाइटी, सोसाइटी का भला, सबका डेवलपमेंट हो, सबकी नेसेसिटी जो है, नीड है, इमीडिएट नीड्स जो है हमारी, जो मैंने बताया हम डिस्कस करते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि रोटी इन द सेंस फूड, कपड़ा मतलब क्लोथ्स, मकान मतलब शेल्टर, देन हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, फिर तुम कोको कोला बेचो ना बेचो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास दूध आना चाहिए, फिर तुम मक्खन ना बेचो, बटर ना बेचो तो चलेगा, दूध तो बेचो भाई, हम खुद मक्खन और घी बना लेंगे। समझ में आया? तो बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, तो प्रॉफिट मेकिंग होती है, ज्यादा मार्जिन, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है कहां पर?
लग्जरियस आइटम्स बेचने पर, ओके तो वो लोग वो ज्यादा बनाएंगे, तो फिर जो बेसिक नीड्स है उसको क्या कर दिया जाएगा, निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो गलत बात होगी, बेसिक नीड्स। इसीलिए देखो वहां की वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां के लोगों की हेल्थ देखो, वहां पे इतना ज्यादा ओबेसिटी है, मतलब वहां के लोगों की नॉर्मल जो बीएमआई हम बोलते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स, वो होती है से 28-30 जैसे बॉडी मास इंडेक्स। कल ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें पता चला कितनी 28-30-27 वैसा बॉडी मास इंडेक्स होता है। ये हमें आएगा पढ़ाई में, पता है बॉडी मास इंडेक्स 9th में आया था, फाइंड करने के लिए भी आया था। ऊपर लिखनी है हमें हमारा मास, ओके, और नीचे हमारी जो हाइट है उसका स्क्वायर करना है इन मीटर्स, हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स, तो तुम्हें तुम्हारा बीएमआई मिल जाएगा। और बीएमआई की रेंज होनी चाहिए 18 to 25, 18 से कम है तो तुम कुपोषित हो, मतलब माल न्यूट्रिशन के शिकार, ओके, मतलब खाना पीना मिल रहा नहीं है ठीक तरह से, एकदम लकड़ी जैसे हो, ओके, ज्यादा न्यूट्रिशंस नहीं है बॉडी में, लाइक दैट, जितना वेट होना चाहिए तुम्हारी एज के हिसाब से, तुम्हारी हाइट के हिसाब से उतना नहीं है, तो तुम्हारा बीएमआई 18 से कम आएगा। और अगर तुम ऐसे 3-4 लोगों का खाना भी अकेले खा जा रहे हो तो तुम ओवरवेट हो जाओगे, मतलब तुम्हारी हाइट एज के अकॉर्डिंगली तुम्हारी जो होना चाहिए मास और से वेट वो 25 से ज्यादा ही होगा, तो 25 से ज्यादा ओवरवेट, अंडरवेट और इनके बीच का नॉर्मल कहा जाता है बीएमआई। तो इनका 28-30 होता है, क्यों? क्योंकि भाई खाना है पीना ही वैसा है, बर्गर सैंडविच पिज्जा ये वो पैकेट फूड्स, 90% पैकेट फूड्स मिलता है, 90-95% वेस्टर्न कंट्रीज पैकेट फूड, सब कुछ पैक ही है, पैकेट में ही है सब कुछ, और रोटी भी पैकेट, सिर्फ वैसे फाड़ो और थोड़ा सेक दो, फ्राई कर दो, खा लो, लाइक दैट, सब कुछ पैकेट। और रोटी तो खाते ही नहीं है, तो मैंने बात की, लेकिन ये मैंने पैकेट में रोटी देखी है साउथ इंडिया में, जब मैं था ना हैदराबाद में तब, ओके, वो लोग भी बहुत कम खाते हैं, ज़्यादातर राइस खाते हैं साउथ में, ओके, तो रोटी मिलती है ऐसे डी मार्ट और ऐसे हमारा कैसा है बिग बाजार डी, तो वहाँ पर रोटी मिलती है ऐसे पैकेट, तो निकालो थोड़ा तेल वेल लगा के ऐसे कुक कर लो, लाइक दैट। तो वो लोग तो ब्रेड ही खाते हैं, ओके, जैसे व्हीट ब्रेड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स होते हैं ना। सो कहने की बात क्या है, सब कुछ पैकेट फूड ये वो, तो उनकी हेल्थ क्यों भाई, बेसिक नीड्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे तुम छापो आईफोन बनाओ, तुम रॉकेट बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, भाई बेसिक नीड्स पे तो ध्यान दो, लोग मर रहे हैं, कोई बेसिक नीड्स पे कोई ध्यान ज्यादा नहीं, एटलीस्ट कल्चर पे, कल्चर के साथ कोई लेना देना नहीं, बेसिक नीड्स के साथ कोई लेना देना नहीं, अपने बच्चों का क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, एक शादी हो गई और ऐसे ही एक महीने में किसी का डाइवोर्स हो रहा है, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स रेट मैक्सिमम है, मतलब अभी शादी हुई और जब तक सारे लोगों को पता चले कि इनकी शादी हो गई है तब तक तो डाइवोर्स हो गया होगा ओके इतना फास्ट तो ये क्यों, क्योंकि कोई वो डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा है, अच्छा लगा शादी कर ली और थोड़ा भी एक झगड़ा, ए तू जा अपने रास्ते में, अपने रास्ते खत्म, बात लाइक दैट। ये क्या हुआ हमारे कल्चर में, कितने टाइम तक, लास्ट 15-20 years से वो कल्चर को फॉलो करते करते ये मेंटालिटी इंडिया में भी आई है, नहीं तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वर्ड था, बट 99% केस साथ में ही रहना है, कितने भी झगड़े हो एडजस्ट, फिर मदर एडजस्ट करे, फादर एडजस्ट करे, कुछ भी हो कितने भी झगड़े हो साथ में, अरे भाई बहन के कितने झगड़े होते हैं, दो भाई के, दो बहन के, भाई बहन के कितने झगड़े होते हैं, तो वैसे ही झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के होते हैं, उसमें क्या ऐसे अलग, कभी हुए हो तुम कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई पापा के साथ झगड़ा हो, अच्छा मेरे पापा नहीं हुआ है कभी ऐसा, नहीं होता, तो वैसे भी हस्बैंड वाइफ में भी नहीं होता,
मम्मी ने डांट दिया, ऐसे पीट दिया, ऐसे दो तीन थप्पड़ लगा दी, आज से मम्मी नहीं तुम्हें, ऐसे बोला है कभी? अरे बोला भी हो तो भी, बोला भी हो तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मम्मी मम्मी है ही, हमेशा हमारे लिए ही है, लाइक दैट पेरेंट्स है ही, तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ है ही। बट ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते 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 हमारे कल्चर में ये घुस गया है, तो हमारे कल्चर में भी अब सब कुछ वहां जैसा हो रहा है वैसा सब चल रहा है। ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो तुम लोग आगे जाके ध्यान देना उसके ऊपर। हाँ, तो बेसिक नीड्स जो है उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू द रोल ऑफ स्टेट। भाई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होती क्योंकि उनकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज को तहस नहस कर देते हैं, ओके, एक्सप्लॉइटेड। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड और से एक्सप्लॉइटेड, सिंपल। ये तो मैंने बोला ही था पहला, कुछ हो ना हो ये पॉइंट तो लिखना ही है, यही मैंने पहला बोला था। नेक्स्ट, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। इग्नोरेंस और नॉलेज किसको नहीं है? कंज्यूमर्स को। और कंज्यूमर्स को नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। तो कौन लूटा जाता है? कंज्यूमर्स लूटे जाते हैं, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। ये भाई कुछ भी दे दिया, मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं, अरे बहुत बड़ी कंपनी का फोन है ये लो पकड़ो, और तुम 40,000 में वो फोन लेके आ गए, उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू सपोज 20,000 ही हो, ओके, और फिर भी तुम लेके आ गए, क्यों? बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि अभी हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, हमने बात तो की 50 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक पीते, अब तुम्हें ओरिजिनल प्राइस पता चले कि भाई ये 50 रुपीज की जो हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस 3 रुपए से भी कम है, तो फिर एटलीस्ट पीने से पहले थॉट तो आएगा भाई इतना मार्जिन, मतलब हम इतने बेवकूफ है कि 3 रुपए की चीज 50 रुपए में पीते हैं, लाइक दैट। इतने ज्यादा हम डिपेंडेंट है वो चीज पे कि ना पिएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि जिसके लिए हम इतना लॉस लेने के लिए तैयार है। एक ऑटो वाला हमारे पास 10 रुपए की जगह 12 रुपए मांगे तो हम उसे लड़ लेते हैं, और यहाँ पर देखो खुलेआम इतना सब हो रहा है और हम खुशी खुशी लेते हैं उसको, ओके। तो ये सोचने की बात है, ये ही एक्सप्लॉयटेशन है, ये लैक ऑफ नॉलेज है। किसी को पता ही नहीं कि ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी मेकिंग कॉस्ट कितनी है, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, यही एक्सप्लॉयटेशन है। समझ में आया पॉइंट? ओके, चलो नेक्स्ट। ड्यू टू दी सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? अबे वो खेल रही है, अब यहां ध्यान दो, ओके चलो। सो ड्यू टू दी सेंट्रलाइजेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी मतलब क्या? हमने देखा था कि इस कंट्रीज में अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब और भी गरीब बनता जाता है, सारी की सारी। कोई एक कंपनी है बहुत अच्छा कमा रही है तो वो लोग बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं और सारा कैपिटलाइजेशन, सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती है, एक्यूमुलेट होती है वो पर्टिकुलर कंपनी या कंपनी के ओनर के पास। ये सिस्टम है, मार्केट सिस्टम है, उसी को बोला गया है सेंट्रलाइज होता है प्रॉपर्टी का। एंड इनकम, देयर इज इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। भाई डिस्पैरिटी ऑफ इनकम मतलब भेदभाव, डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंसेस, भेदभाव होते हैं इनकम में। क्यों? क्योंकि भाई यहां सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, इसलिए। समझ में आया? एंड लास्ट पॉइंट, देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली। भाई मोनोपोली का फियर रहता है, मोनोपोली मतलब क्या? अपना ही सिक्का खड़ा है, अपना ही सिक्का चले। मोनोपोली मतलब खेलना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, मतलब कि मजबूरी में आ जाए ना तुम, उसको बोलते हैं मोनोपोली। मतलब क्या? कि तुम्हें पता है कि सपोज ऐसा समझो कि अभी जैसे कि तुम डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, तो वो लोग, तुमने अपनी लाइफ का रिमोट उनके हाथ में दे दिया है, लाइक दैट। जैसे कि पेट्रोल पे तुम डिपेंडेंट हो गए कि भाई भले ही कितनी भी महंगा हो जाए पेट्रोल, हम साइकिल तो चला नहीं सकते, हम ऑटो में बैठ नहीं सकते, हम चलते तो जा नहीं सकते, ये तुमने मान लिया है बिलीफ सिस्टम। तो फिर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मान लो कि कोई गवर्नमेंट ने ऐसा किया, कई गवर्नमेंट पाकिस्तान में, श्रीलंका में, देखो वहां पे पेट्रोल के प्राइसेस देखो,
तो बढ़ाते हैं। तो ये डिपेंडेंसी हो गई। डिपेंडेंसी मतलब क्या, कितना भी तुम बढ़ाओ हम तो लेंगे ही। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है लेकिन वो ऑप्शन तुम लेना नहीं चाहते। ओके, तो ये डिपेंडेंसी आ गई। समझ में आ रहा है कि भाई वे गवर्नमेंट 200 रुपीज पर लीटर पेट्रोल करेंगे तो भी तुम वो फिल करोगे और घुमाओगे। तो भाई बंद कर दो घुमाना। अभी जैसे अभी मैंने कुछ सुना था कि अभी टमाटर का भाव जैसे बहुत बढ़ गया है। ओके, 200 रुपीज केजी को टच करके आए हैं, 200 रुपीज केजी। तो किसी ने बताया बहुत अच्छी बात है कि भाई 10 डेज के लिए टमाटर खाना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली उसका डाउन, उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। वो कोई ऐसी संभाल के रखने वाली चीज थोड़ी है। कितना भी संभालो वो बिगड़ जाएगी। कितना भी संभालो, तुम डीप फॉरेस्ट कर दो, डीफ्रॉस्ट ओके मतलब तुम कितना भी फ्रॉस्ट कर दो उसको, मतलब आइस वाला जो हमारा फ्रीजर होता है ना उसमें डल लगा दो, उसमें लगाओगे और फिर खाने निकालोगे तो खा नहीं सकोगे, वैसा हो जाएगा वो। तो कितना भी उसको संभालो, कितना भी ज्यादा प्रिजर्व करो, एट लास्ट बेचना ही पड़ेगा जिसके पास भी है। तो यूज करना बंद कर दो। लेकिन नहीं, हम तो लेंगे, महंगा है तो महंगा भी लेंगे कंटिन्यू। लेकिन थोड़े लोगों से कम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो चाहिए, सबको ही चाहिए और क्वांटिटी है देने के लिए थोड़ी, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। खाना छोड़ दो थोड़े दिन, ऑटोमेटिकली कोई ऐसा थोड़ी बिगड़ने थोड़ी देगा कोई। जैसे तुम्हारे पास ऐसा समझो 100 केजी टमाटर पड़े हुए हैं। ओके, अब तुम्हें पता है कि बाहर बहुत ही खतरनाक वाला रेट चल रहा है, तो अब तुम बोलोगे 200 रुपीज तो लोग 200 देने को भी तैयार है। अब सोचो कि अचानक से लोगों ने बोल दिया टमाटर ही नहीं खाना, फिर तुम बोलोगे अरे ले लो यार ले लो, नहीं खाना ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। बोलेंगे अरे 200 छोड़ो, 100 में ले लो, हमें चाहिए ही नहीं। अरे 50 में ले लो, हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन ये हमें चाहिए ही नहीं बोलने वाला जो ग्रुप है ना वो बड़ा होना चाहिए। 5 लोग बोलेंगे कि हमें चाहिए नहीं तो उसके सामने 500 लोग खड़े हुए हैं, नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है लाओ हमें दे दो भाई लाइक दैट, क्योंकि लोगों को मिल नहीं रहा है। समझ में आया? बट ये डिपेंडेंसी है, तो इसी को बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या, जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर इलीगली और से नॉन ज्यूडिशियसली, मतलब कि जो न्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण इनजस्टिस वे में तुम उसके ऊपर रूल कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसके साथ ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पर डिपेंडेंट है लाइक तो दैट इज एक्सप्लोइटेशन। ये भी वन टाइप ऑफ एक्सप्लोइटेशन है, इसी को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ मोनोपोली। समझ में आया? कोई एक चीज कोई बना रहा हो, ये एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें वो समझ में आए। ओके, जैसे कि कोई एक चीज, जैसे कि हम अमूल दूध की बात करते हैं, तो भाई इंडिया में 70% पीपल अमूल का मिल्क पीते होंगे। तो अब अमूल अगर हर महीने 1-1 रुपए या 2-2 रुपए लीटर पे बढ़ाएगा तो हम तो पियेंगे। क्यों? डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि जो बाकी जो देते हैं फार्मर वो भी मिक्सिंग कर देते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो आएंगे लेने, ये वो कितने सारी बहुत सारी बातें हैं। ये 30% में दूसरे तो है ही, बट यहाँ डिपेंडेंट हो गए तो वो बढ़ाएंगे। फिर भी भाई नहीं होता किसी का टेस्ट अच्छा लग जाए। एक ये कॉलेज रोड से आते हैं ना, तो वहाँ पे एक चाइनीज है, क्या नाम है, इलू चाइनीज। ओके, तो उसका चाइनीज इतना महंगा है जैसे लगा तुम 5-star होटल, मतलब 5-star तो नहीं बट ऐसे 3-star होटल में खाओ ना उतना प्राइस है। फिर भी हम कई बार वहाँ खाना जाते हैं। क्यों? डिपेंडेंट हो गए वो टेस्ट के। यहाँ टेस्ट है, जो चीज़ बाहर 80 rupees की प्लेट मिलती है वो वहाँ पर 150 की मिलती है। सोचो डबल जैसा हो गया ऑलमोस्ट, 80 का 150। ओके, बट जाते हैं लोग। तो ये मोनोपोली बन गई। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ क्वालिटी है उनके पास कि लोग ज्यादा देने को भी तैयार है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। ओके, लेना नहीं चाहिए लेकिन लोगों को पता ही है कि भाई तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जो लोगों के पास नहीं है और सबको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका भाव बढ़ा देंगे। लाओ भाई, जो ज्यादा पैसे देगा उसका है। समझ में आया? तो ये है फियर ऑफ मोनोपोली। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, भाई इसमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है। क्यों? क्योंकि फास्टर डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन लोगों का क्या है कि जहां प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट को ध्यान में रखा है, प्रॉफिट होगा ही, ऐसा श्योरिटी थोड़ी है।
हाँ चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट होने के, लेकिन अनसर्टेनिटी इज देयर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इनस्टेबिलिटी है, ये तो हमेशा ही रहेगी इनस्टेबिलिटी, तो तुम सोशल सिस्टम लो उसमें भी इनस्टेबिलिटी तो रहेगी। ओके, एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर, लेबर का भी एक्सप्लोइटेशन होता है, रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन होता है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेचुरल, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का बोला है, हमारे तो सारे ही रिसोर्सेज जो हमने कल देखे थे, LLC, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट वाला जो था हमारा फैक्टर, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सबका ही क्या होता है, एक्सप्लोइटेशन होता है। यहाँ पर भी लेबर का भी एक्सप्लोइटेशन होता है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि भाई उनको प्रॉफिट ज्यादा करना है, प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। 8 घंटे की जॉब है तो भाई 16 घंटे करनी पड़ेगी, डबल शिफ्ट, भाई तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, डबल पैसे मिलेंगे। ओके, तुम्हारा सैलरी 10,000 है तो 20,000 मिलेगा, लाइक दैट ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन काम करो। तो अब काम करो मतलब जो पैसे के लिए करना चाह रहा है वो तो करना चाह रहा है, जो नहीं करना चाह रहा है उसको भी करना पड़ रहा है कि भाई मुझे डबल नहीं चाहिए, मुझे जितना है उतना ही चाहिए, नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है लेबर का। लूट, समझ में आ गया पक्का? तो ये लिमिटेशंस थी। देखो कोई भी चीज में लिमिटेशंस हो ना तभी कोई नई चीज आती है, तो यहां जो लिमिटेशंस है वो मेजरली सॉल्व करने की ट्राई होती है कहां पर, सेकेंड सिस्टम में, जिसका नाम क्या है, सोशल सिस्टम। चलो तो वो देखते, ये पूरा समझ में आ गया। अब ये अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो इसके ऑपोजिट है, देखा हमने पहले ही सेंटेंस देखा था कि बोथ दी सिस्टम्स आर एक्जेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ आएगा भाई पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट को ध्यान में लिया जाता है, तो ये बोलेंगे भाई यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं, सोशल को और से सोसाइटी को ध्यान में लिया जाता है, एकदम ऑपोजिट। चलो देखते हैं। चलो सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम ऐसा ही है। हाँ चलो ठीक है, सोशल सिस्टम। सो सोशल सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस एंड फेलियर्स ऑफ द मार्केट सिस्टम। वो तो वही है, जहां कोई फेल हो वहीं पे चांसेस है। जब भी तुम्हें कोई नई चीज करनी हो तो देख लो कि लोग कहाँ पे फेल हो रहे हैं, कहाँ पे गैप है, मतलब क्या लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो तुम कर लो, अलग हो गए तुम, सक्सेस मिल गई तुम्हें, लाइक दैट। कंट्रीज लाइक, याद रख लेना, रशिया एंड चाइना हैव अचीव्ड फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय अडॉप्टिंग दिस सिस्टम। तो वहां पे जापान, यूएसए, अमेरिका, यूएसए मतलब अमेरिका था, यहाँ पे रशिया और चाइना है। ओके चलो, तो इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, मतलब कंट्री का नाम देखा, अब देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या है। फीचर्स का भी अलग पॉइंट आएगा, लेकिन हमने जैसे उसमें देखा कॉपी पेस्ट ही होता है सब कुछ, तो अच्छे से समझ लो डिटेल्ड में। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी, एग्जैक्ट ऑपोजिट। वहां पे इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट ग्रुप करता है, यहाँ पर कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ओके, स्टेट को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। ओके, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो बोलते क्या स्टेट्स, मतलब क्या, वो कंट्री को ही स्टेट बोलते हैं, अंडरस्टूड। ओके, स्टेट ओन्स मतलब गवर्नमेंट ओन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, सिमिलर टाइप ही है क्या, सारे ही जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के, ओके, जो भी तुमने फैक्टर्स भी गिने, क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ, सारे फैक्टर्स भी किसके अंडर में होंगे, कौन रूल कर रहा है, कौन ओन कर रहा है, गवर्नमेंट और से स्टेट। इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज बाय द स्टेट, भाई स्टेट के ही 3 पॉइंट हो गए, देखो सारा का सारा मैनेज किससे होता है, ओन कौन करता है, स्टेट, मैनेज कौन करता है, स्टेट। ओके, और पहले में कि डिसीजंस कौन लेता है, स्टेट, ऐसे ही 3 वर्ड याद रखो, ओन, मैनेज एंड डिसीजंस। तो डिसीजन कौन लेता है, स्टेट, खत्म पहला सेंटेंस। देन ओन कौन करता है, किसकी मालिकी का है, स्टेट की मालिकी का है। कौन उसे संभालता है, मैनेज कौन करता है, स्टेट। ऑल द डिसीजंस पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा आर टेकन आफ्टर कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन माइंड। मतलब ये सारा तो लिखना ही है, सारे ही डिसीजंस
प्लानिंग के डिसीजंस, प्रोडक्शन के, इन्वेस्टमेंट के, रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस आर टेकन व्हाइल कंसिडरिंग और से कीपिंग इन माइंड द सोसाइटी इन सेंटर पॉइंट. वहां पे क्या था, क्या था, मार्केट सिस्टम में किसको सेंटर में रखा जाता था, सारे डिसीजंस प्रॉफिट को. कितना टाइम क्यों लग रहा है, वहां पे सारे ही डिसीजंस प्रॉफिट को सेंटर में रख के लिए जाते थे. यहाँ पे सारे ही डिसीजंस सब कुछ सोसाइटी को, समाज को ध्यान में रख के लिए जाते हैं. इन द सोशलिस्ट सिस्टम रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर. वही चीज जो मैंने अभी तुम्हें बताई. प्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट. तो भाई वो तीन पॉइंट थे, डिसीजंस, मैनेज एंड ओन, और चौथा प्राइसेस, वो भी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्न्ड फैक्ट्रीज. तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव, ये भी कौन करेगा, स्टेट. स्टेट के देखो पांच पॉइंट तो स्टेट के हो गए. ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कोई टारगेट अचीव करना है, इसके जो डिसीजंस है उसकी जो डिसीजंस तो स्टेट के ही है, डिसीजंस तो स्टेट के ही है, हमने बोल दिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई डिसीजन ले लिया तुम लोगों ने, अब ये तुम्हारी जवाबदारी है कि भाई तुम ये अपने टाइम पीरियड में कंप्लीट करो. तो वो भी किसका होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, स्टेट ओन्ड और से स्टेट गवर्न फैक्ट्रीज की होगी, मतलब स्टेट की ही होगी. ओके, सो बाय द स्टेट गवर्न फैक्ट्रीज. फार्मिंग इज ऑल्सो ओन्ड बाय द स्टेट. भाई ये भी नहीं छोड़ा, इवन फार्मिंग भी, ऐसा नहीं मेरा खेत है मैं कुछ भी करूं, नहीं चलेगा ऐसा. ओके, नहीं तो लोग तो फिर क्या करेंगे, भले ही अंदर सोशल सिस्टम चले या मार्केट से जो चलना है चले, वो लोग प्रॉफिट मेकिंग मार्केट सिस्टम को ही ध्यान में रखेंगे. भाई हम तो तमाकू ही, टोबैको ही ग्रो करेंगे, हम तो गांजा ही ग्रो करेंगे. क्यों भाई, मस्त ऐसे रुपए मिलते हैं, बेचो, पीने वाले हैं, यहाँ नहीं होंगे तो एक्सपोर्ट कर दो, मस्त पैसे कमाने हैं. जितने वीट बेचते हैं, नहीं वो मूवी देखा है कौन सा, वो फिर हेरा फेरी, ऐसे 5,000 ऐसे डायरेक्ट. ओ भाई मैंने तुम्हें दो जूते दिए, सूट दिया, ये वो, तुमने मुझे 250 रुपए दिए, ये दिया, वो दिया, इसने एक पुड़िया दी और तूने 5,000 दे दिए. ऐसी छोटी मोटी पुड़िया नहीं है, हेरोइन है, हेरोइन की कौन सी पिक्चर की हेरोइन है, मतलब वो दी, वो क्या है, वो सब हेरोइन और से जिसको हम गांजा बोलते हैं. ओके, वो है, तो दैट इज इलीगल, जस्ट लाइक अल्कोहल पर्टिकुलर स्टेट में इंडिया में बैन है. पर्टिकुलर पहले तो सिर्फ गुजरात में बैन था, लेकिन अब सिर्फ गुजरात में नहीं, बहुत सारे स्टेट ज्वाइन हो रहे हैं कि भाई बहुत हल्ला होता है ये पीने के बाद, तो भाई बैन. ओके, कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, तो बैन है. लेकिन वापस वो भी एक सच्चाई है कि जहाँ बैन होता है ना, वहाँ ही सबसे ज़्यादा पिया जाता है और बेचा जाता है. ओके, तो बट एटलीस्ट रास्ते पे तो लोग ऐसे हल्ला डुल्ला नहीं करते, नहीं तो डायरेक्ट ही जाएंगे कि भाई पहले कोई भी, तुमने कोई भी टाइप की छोटी गलती की हो या तुम्हारी कोई गलती नहीं हो, सामने वाले की गलती हो, लेकिन अगर यहां पर पता चला कि भाई दैट पर्सन इज ड्रंक्ड, सारा चिट्ठा खत्म सामने वाले का, तुम ही हो भाई आरोपी, तुम ही दोषी हो. ओके, गिल्टी तुम ही हो, लाइक दैट. तो भाई रूल ऐसा है. सो टोबैको है नहीं, सिगार और वो सब. तो कहने का मीनिंग क्या है, फार्मिंग भी गवर्नमेंट ही ओन करती है. नहीं तो सोचो कि जस्ट लाइक दैट, मैंने जैसे अभी एग्जांपल बताया, कोई ज़्यादा टॉपिक को करेगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लोगों को चाहिए तो प्रॉफिट, तो अब वो कोई फिर अभी फिर वही हो गया ना, जो नेसेसिटी है भाई, तू गेहूँ डालना खाने के लिए चाहिए, नहीं हम तो टॉपिक को डालेंगे. भाई टॉपिक को खाएगा क्या, बोले नहीं उससे पैसे मिलते हैं, पैसे पैसे पैसे, सिर्फ पैसे ही दिखेंगे. That is wrong way. हम ऐसा wrong way तो नहीं बोलेंगे, सबकी अपनी अपनी choice है, but हमारे culture के according तो हमें वो suit नहीं होता. Understood? समझ में आ गया पूरा? तो farming भी government के हाथ में है. Last, labor are paid according to their ability.
उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली पे होता है। ओके कि भाई कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कोई ज्यादा स्किल यूज कर रहा है, कोई कुछ स्किल नहीं, सिर्फ ऐसे लेबर वर्क ही कर रहा है। अकॉर्डिंगली वर्क इज टेकन फ्रॉम देम और उनकी स्किल, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही उनसे काम लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बस प्रॉफिट को ध्यान में रखो, डबल शिफ्ट में काम करना है, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये वो। तो कई सारी इंडस्ट्री भी है। देखो ये तो मोटा मोटा बात है, लेकिन हर इंडस्ट्री में भी सब कुछ फॉलो होता है। मार्केट सिस्टम भी फॉलो होता है, सोशल सिस्टम भी फॉलो होता है। इंडस्ट्री में ले लो, हॉस्पिटल्स में ले लो, स्कूल्स में ले लो, सब जगह सारी मेंटालिटी, मेंटालिटी की बात है ये तो, मेंटालिटी की। कि भाई जैसे कोई स्कूल है, अब सोचो कि कोई स्कूल का एजेंडा है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी को ध्यान में रख के स्कूल बनाई गई है कि भाई ये गांव में कोई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, ये सिटी के लोग, ये गांव के लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, इनका कुछ भला हो जाए, एजुकेशन मिलेगा तो वो लाइफ में कुछ कर पाए, उस हिसाब से वो पॉइंट ध्यान में रख के स्कूल खोली गई है। तो उसकी फीस, उसके अंदर की एक्टिविटीज, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो। और पैसे को ध्यान में रख के, कीपिंग प्रॉफिट इन माइंड, देन इतनी फीस, ये इतने, हम जो बोले वहीं से कपड़े लाने हैं, हम जो बोले वहीं से जूते भी लाने हैं, हम जो बोले वहीं से नोटबुक लाने हैं, क्यों, कमीशन मिलता है ना। ओके लाइक दैट, तो ये फिक्स। तो सब जगह कोई जगह बाकी नहीं रही, सब जगह ये सब देखो, ये दिमाग में ये सब बातें अभी हमें लिखने की नहीं है, समझने के लिए है। सब जगह सब कुछ होता है, हमें ध्यान में रखना है कि क्या सही है क्या गलत है, बाय योर व्यू पॉइंट, तुम्हारा व्यू पॉइंट मायने रखता है, ना कि कोई क्या कह रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई यूएसए ने और जापान ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया वो गलत है, नहीं भाई, उनको वो सही लगा तो उन्होंने वो किया, तुम्हें क्या लगता है सही वैसा तुम करो। ऐसा नहीं है कि वही एक ऑप्शन है, दूसरे भी कई ऑप्शन है, समझ में आया। ओके सो वैसे ही लेबर के पास से काम लिया जाता है। नाउ फीचर्स ऑफ सोशल सिस्टम, तो फीचर्स में जैसे मैंने तुम्हें बताया, कॉपी पेस्ट ही होगा फिर भी हम देख लेते हैं। रिसोर्सिस ओन आ गया ना, ओन बाय द स्टेट, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द स्टेट, रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर एंड लेबर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ द वर्क। डन, सब कुछ सेम जैसा ही, कुछ भी लिखो उसमें से कोई भी चार पांच पॉइंट उठा के रिसोर्स में लिख दो, सॉरी फीचर्स में लिख दो, देन कर हो गया पूरा। बुक नहीं बनाई, नेक्स्ट टाइम मत भूलना, हैंड राइटिंग और अच्छे करो, ठीक है? हाँ ठीक है। और फिर मंडे रेगुलर टाइम पे आ जाना, लेट मत आना। कितने बजे आओगे? 6:00 नहीं, 5:45 को आ जाना। चलो, सो बेनिफिट्स, चलो वन बाय वन देखते हैं। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और लेस प्रोड्यूस्ड। वहां पर जो जरूरत की चीजें थी उसको निग्लेक्ट किया जा रहा था, और यहाँ पर भाई दारू नहीं बनाना, टोबैको नहीं बनाना, लग्जरियस आइटम बाद में बनाएंगे, पहले भाई जरूरत की चीजें लाओ, समझ में। एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो याद है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख सकते हो तुम। एज द डिसीजंस आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट, डिसीजंस टेकन बाय द स्टेट, सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर। वहां पे वेस्टेज होता था, वहां के जो लिमिटेशंस है उसको यहाँ पे डाल दो ऑपोजिट करके, कि भाई बहुत ज्यादा वेस्ट होता है तो यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। वहां पर उसका लिमिटेशन था ना, क्या लिमिटेशंस था, कि वहां पर लग्जरियस आइटम, प्रॉफिट को माइंड में रख के लग्जरियस आइटम को ज्यादा ध्यान में दिया जाता था, इसीलिए जो नीड है, इंपॉर्टेंट जो नीडफुल है, ओके, नेसेसिटी वाली जो कॉमोडिटीज है, थिंग्स है, उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता था, वो वहां का लिमिटेशंस था। तो उसका उल्टा करके यहाँ के एडवांटेज में लिख दो, बेनिफिट्स में लिख दो, बेनिफिट्स एडवांटेज जो बोलो वो, कि भाई यहाँ पर वैसा होता
नहीं है, यहाँ पर लग्जरियस आइटम को निग्लेक्ट करते हैं और जो बेसिक कॉमोडिटीज है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट करके लिख दो, वहां पे डिस्पेरिटी वाला पॉइंट भी लिखा था कि भाई जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और से ग्रुप, देयर फॉर डिस्पेरिटी ऑफ इनकम इज देयर। वो वहां था तो यहाँ पे वो नहीं है, ऐसे डिस्पेरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। एंड वहां पे भी यही पॉइंट था, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड और यहाँ पे कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। एग्जैक्टली उल्टा करके लिख दो यहाँ पर, वो लिमिटेशन याद है तो ये बेनिफिट तुम लिख ही सकते हो। समझ में आ गया पक्का? ओके, देन नेक्स्ट भाई, इसकी भी लिमिटेशन है क्या? सब कुछ अच्छा अच्छा करोगे तुम, समाज के लिए सब कुछ करोगे भाई, पैसा वैसा कहां से आएगा? ओके चलो, सो लिमिटेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स व्हिच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द नोबल इंटेंशन। नोबल भाई एकदम, नोबल मतलब क्या, सबसे महान, नोबल मतलब महान। ओके, इतना अच्छा इंटेंशन था, ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर टू हैज सर्टेन वेलफेयर टू हैज सर्टेन लिमिटेशन, मतलब इसके भी थोड़े लिमिटेशन है। क्या है? As the resources of production are owned by the state, okay भाई, लिखो बार बार एक नई चीज लिखो। People do not get encouragement, भाई लोगों को encouragement नहीं मिलता, उत्साह नहीं है क्या नए नए researches करे, ज्यादा कुछ ज्यादा काम करे ज्यादा पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं भाई, fix ही पैसे मिलेंगे, fix ही काम करना है, सब कुछ पहले से decided है, government जो बोलेगी वैसा ही करना है, तुम्हारी बातें नहीं मानी जाएगी। Understood. Okay. तो ये एक limitations है कि भाई do not get encouragement and motivation to increase the production. Production increase करने का भी कोई motivation नहीं कि भाई ज़्यादा production करो ज़्यादा profit मिलेगा ज़्यादा income मिलेगी, कुछ नहीं, जो करना है वही करना है, जितना पैसा मिलना है उतना ही मिलना है, like that. ये एक negative point. Due to lack of competition, वहाँ पे full competition है तो नए नए researches होते रहते हैं, consumer के पास बहुत ज़्यादा choice है, यहाँ पर competition नहीं है। Contest and research do not get momentum in the economy. मतलब कोई भी टाइप का research, contest, मतलब competition टाइप कुछ भी होगा नहीं। Okay? There is lack of individual freedom. वहां पे भी ये point आया था कि वहां पे economic freedom individually है क्योंकि सारे decisions individual को ही लेने हैं, लेकिन यहां पर नहीं है। There is a lack of individual freedom in this system. Lack है क्यों भाई? Freedom है ही नहीं, तुम्हें कोई freedom नहीं है भाई, तुम मन चाहे वो डिसीजन नहीं ले सकते, तुम्हें कोई, तुम्हें दूध भी बेचना हो ना तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई आई एम गोइंग टू सेल मिल्क फ्रॉम दिस 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 कंपनी एंड सेलिंग टू ऑल दिस पीपल नियर बाय दिस प्लेस, ऐसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तब जाके। देखना तुम कोई भी टाइप की शॉप में जाओ, कोई भी शॉप में चले जाओ, वहां पे एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वाला वो बैनर होता है, कोई भी शॉप पे जाओ, अरे बाल कटाने चले जाओ वहां पे भी होगा। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर कर नहीं सकते मतलब हम तो बोले नहीं हम तो कर सकते हम तो करते ही हम करते हैं, फिर जब गवर्नमेंट की मर्जी होगी तो वो आएगी सफाया करके चली गई। अभी पता है एक महीने पहले यहाँ पे 25-25 साल से जो झाड़ेश्वर क्रॉस रोड पे जो दुकानें थी नाश्ते की और वो सब हटा दिया। ओके, हाँ सब हटा दिया, क्यों? बहुत ज्यादा पब्लिक होती थी, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो गए थे एंड ऑल, तो हटा दिया सब कुछ। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि क्यों हटाया। हाँ, अभी जैसे सर्टिफिकेट लेके तुम कहीं पे बिजनेस कर रहे हो तो तुम बोल सकते हो कि भाई मेरी रोजी रोटी थी, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया, ये वो। वहां पे तुम क्या बोलोगे? रोजी रोटी थी वो तो बोलोगे, लेकिन हाँ तो किसने बोला था यहाँ रखने को? ये तो रोड है, तो रोड पे गाड़ी चलेगी या तुम अपना बिजनेस करोगे? Like that. Okay. ऐसा हमें जिनका जाए उनके टॉवर्ड्स में सिंपथी है, लेकिन रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। लाइक दैट, बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट, कंप्लीट वहां पे नो इंटरफेरेंस और यहाँ पे कंप्लीट घुस गई है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है, कितना स्टेट 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 पड़ा हमें। ओके, देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वहां पे कौन सा फियर था? मोनोपोली का फियर था।
यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का फियर है। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। तो गवर्नमेंट मतलब कोई एक बंदा नरेंद्र मोदी थोड़ी है, उसके अंडर में कितने हजारों करोड़ों लोग हैं, तो वो लाखों लोग हैं, तो वो लाखों लोग वैसे डिसीजन रिलेटेड लाखों नहीं तो हजारों लोग तो हैं। सपोज नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी के अंडर में हजारों लोग काम करते हैं, तो जितने ऑनेस्ट नरेंद्र मोदी है क्या उनके अंडर हजारों लोग जो काम करते हैं वो भी उतने ऑनेस्ट है क्या? वो अपनी मर्जी का करेंगे, ओके okay, उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, कि जिसके हाथ में पावर हो वो अपनी मन मर्जी का करेगा। जैसे वो मार्केट सिस्टम में कैसे इंडिविजुअल ओनर था तो बोलेंगे भाई मेरी कंपनी है ना, मैं जो बनाना है बनाऊंगा, रिसोर्सेस का जैसे यूज करना है करूंगा, लेबर के पास से डबल काम करवाऊंगा, ये वो, क्योंकि वो उसकी कंपनी उसने डिसीजन लेने हैं। लेकिन यहां पर उसको मतलब यहां पर भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेने हैं, बट गवर्नमेंट इज नॉट वन पर्सन, गवर्नमेंट कोई वन पर्सन नहीं है, उसमें कितने हजारों लोग होते हैं, ओके सैकड़ों हजारों लोग होते हैं। तो अगर कोई अपनी डेजिग्नेशन का गलत इस्तेमाल करे इन एनी वे, उसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी। समझ में आया? तो यहाँ पे फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी होती है, भाई ये लोग तो बड़े लोग हैं कुछ भी कर देंगे, ये लोग तो मंत्री है कुछ भी करेंगे, भाई ये तो पॉलिटिशियन है, ये तो चीफ मिनिस्टर है, ये तो एमपी है, ये तो एमएलए है, कितना कुछ है, तो डर लगता है भाई कुछ भी हो सकता है। समझ में आए? तो वो यहाँ रहेगा, ये सारे लिमिटेशन है। होना नहीं चाहिए बट सब लोग उनकी तरह काम करेंगे तब नहीं होना चाहिए ना। सोचो अभी नरेंद्र मोदी के जैसे सारे लोग काम करते अगर गवर्नमेंट, ऐसा नहीं बोल रहे हम कि नहीं कर रहे, बट अगर उनके जितने ऑनेस्ट रह के, ओ भाई सुबह 3:30 बजे उठ गए और योगा कर रही है वो, 7 बजे ऑफिस पहुंच गए, सब कुछ काम कर रहे हो, रात के 11, 12, 1 बजे तक काम कर रहे हो, क्या सब लोग नहीं नहीं सर अपना 8 घंटे का जॉब ठीक है, इतना सैलरी मिलता है, उतना ही चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, इतना काम करेंगे, लाइक दैट। वो एक फीलिंग के टुवर्ड्स के भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है, ये वो, घर बार छोड़कर फैमिली वैमिली को छोड़ के सिर्फ भाई नेशन ही है मेरा, नेशन के लिए क्या कर सके वो मुझे करना है। नहीं तो वो भी ऐसे सुनते हैं 8 घंटे कुछ यहाँ वहाँ मीटिंग करेंगे, 1-2 भाषण स्पीच दे देंगे, दैट्स इट, फिर घर पे आ जाएंगे, गुजरात आ जाएंगे प्लेन में, गवर्नमेंट पीपल के पैसे से आ जाएंगे, घर पे बैठेंगे मस्त चाय नाश्ता करेंगे, दूसरे दिन वापस सुबह जाएंगे दिल्ली। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे ना वो, तो उनके जितने ऑनेस्ट अगर सभी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, फिर हमें इतना टाइम ही नहीं लगेगा। कोई भी मेथड तुम लो, तुम मार्केट लो, मिक्स्ड लो, या सोशल सिस्टम फॉलो करो, कोई भी लो, उनके जितना ऑनेस्ट तरीका अगर सब लोगों ने अपना, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो वैल्यूज आए, वो जो वैल्यूज है ना वो हमारे अंदर आए, क्योंकि तुम नेक्स्ट जनरेशन हो, तुम आगे जाके कोई ना कोई डेजिग्नेशन, कोई ना कोई प्रोफेशन में तो जाओगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, तुम सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हो, भले ही तुम एंटरटेनर बनो, तुम सिंगर बनो, डांसर बनो, लेकिन तुम क्रिकेटर बनो, लेकिन तुम अपना काम सही सही कर रहे हो एकदम परफेक्ट वे में, विदाउट एनी टाइप ऑफ चीटिंग, तो ये एक सर्विस हुई। और सब लोग अपना काम एकदम परफेक्ट करे, थोड़ा भी चीटिंग किए बिना, जितना उसका होना चाहिए उतने, जैसे किसी की मूवी हिट हो गई तो भाई उसको मिलने चाहिए सपोज 1 करोड़ रुपीज, और वो ले रहा है 10 करोड़ रुपीज, मूवी हिट हो गई है, उसका फैन बेस ज़्यादा है इसलिए। तो हम ये नहीं बोल रहे वो लोग चीटिंग कर रहे हैं, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फिर सब लोग अपना अपना ग्रोथ करेंगे, उनको भी अपना ग्रोथ करना है, बट कहने का मीनिंग ये है कि इन एनी सेंस चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन वॉट यू नीड, देन एटलीस्ट शेयर समथिंग, डू फॉर द सोशल सोसाइटी ऑल्सो। जैसे कि रतन टाटा है तो वो बिजनेस नहीं करते क्या? अरे खतरनाक बिजनेस करते हैं। हाँ उनका नंबर नहीं आता, वो टॉप रिचेस्ट में, ये वो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट और इंडिया के टॉप रिचेस्ट वो, बट सबको पता है कि वो बिजनेस तो करते हैं, कितने टाइप के बिजनेस करते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं होगा वैसे वैसे बिजनेस में है टाटा, ओके बट सोसाइटी के लिए भी उतना काम करते हैं, उतनी हॉस्पिटल्स बनाते हैं, उतनी स्कूल्स बनाते हैं, उतनी चैरिटी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसे कमाना
पैसे कमाने के साथ साथ कुछ अच्छा काम नहीं हो सकता। अरे वो कमा भी रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, हो सकता है अगर नियत हो तो। चलो सो ये सारे लिमिटेशंस थे। अगेन उसकी लिमिटेशंस की वजह से, मार्केट की लिमिटेशंस की वजह से सोशल सिस्टम अस्तित्व में आई थी, और सोशल सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से अभी एक नई, उन दोनों की शादी करवा दी बताया था ना, सो एक नई सिस्टम आ गई है, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब तेरे बेनिफिट्स लाओ, तुम्हारे भी बेनिफिट्स लाओ, सिर्फ बेनिफिट्स बेनिफिट्स बनाकर एक नया सिस्टम। अब हम आ गए हैं इंडिया में, इंडिया इज फॉलोइंग द मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। दोनों के लिमिटेशंस हटा दिए, सिर्फ बेनिफिट ही लाओ भाई, लाइक दैट, एंड ट्राई टू एसिमिलेट इन इट गुड एलिमेंट्स ऑफ बोथ ऑफ द सिस्टम। एसिमिलेट मतलब इकट्ठा कर देना, कि मतलब दोनों सिस्टम के जो गुड पॉइंट्स है, जो बेनिफिट्स है, उनको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। सिंपल मिक्स्ड मतलब मिक्स कर दिया, शॉर्ट में लेने समझने के लिए क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर दिया मतलब गलत चीजों का मिक्सर थोड़ी करेंगे, अच्छी अच्छी चीजों का ही मिक्सर करेंगे। ओके चलो, बट द डीमेरिट्स आर ऑल्सो, ये क्या पेज खत्म हो गया, तो मेरा पेज कहाँ गया, ये क्या बात है भाई, ये तो चीटिंग करता है तू। कहाँ मिक्स हो गया ये, ओ भाई कोई बात नहीं, अपने पास पीडीएफ है। चलो ओ भाई इसमें भी ऐसा है यार, हाँ ये वाला अच्छा होगा। हाँ सो मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। हम दोनों भाई भाई लाइक दैट, मतलब पब्लिक मतलब क्या, गवर्नमेंट ऐसा समझो, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल और कोई ग्रुप कंपनी, तो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि जेएनएफसी, ओके तो जेएनएफसी का नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी, तो ये सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, उसके जो ओनर है, उसका जो प्रॉफिट, सारे डिसीजन, ये वो रिसोर्सेज सब कुछ आते डिसीजन गवर्नमेंट, सॉरी जेएनएफसी सेमी गवर्नमेंट नहीं है, वो पूरी गवर्नमेंट है। ओएनजीसी सेमी गवर्नमेंट है, ओके कि भाई उसके जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट भी लेगी और प्राइवेट जो ओनर होंगे वो भी लेगी। समझ में आया पक्का, श्योर। जेएनएफसी है फुल गवर्नमेंट, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फुल गवर्नमेंट, ओके बड़ी बड़ी जो कंपनियां, रिलायंस पूरी की पूरी प्राइवेट, गवर्नमेंट का उसमें कुछ भी नहीं। टाटा पूरी की पूरी प्राइवेट, बिरला पूरी की पूरी प्राइवेट। समझ में आ रहा है, ओके बट हमें किसकी बात करनी है, लाइक ओएनजीसी जैसी, क्या दोनों का चल रहा है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप प्राइवेट भी है, ओके। बोथ द सेक्टर्स डू नॉट वर्क एज द कॉम्पिटिटर, वो कॉम्पिटिटर की तरह काम नहीं करते, कौन, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कॉम्पिटिटर की तरह काम नहीं करते, रेदर दे वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों किस तरह काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सही में हस्बैंड वाइफ से शादी करवा दी है, मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब क्या कि जो कोई एक के नेगेटिव पॉइंट्स है तो वो दूसरा संभाल लेगा अपने पॉजिटिव से, और दूसरे के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो संभाल लेगा पॉजिटिव से,
मतलब सपोज मास मूवमेंट ये वो रेलवेज ये वो सब कुछ संभालना है, तो भाई रेलवे मतलब पता है कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितने करोड़ ऑफ पीपल रोज के ट्रैवल करते हैं रेलवे में थ्रू आउट द इंडिया। ओके, तो अब ये किसी प्राइवेट के हाथ में जाए तो वो मैनेज कर पाएगा क्या इतने डिसीजंस ये वो कितना कुछ? तो वो गवर्नमेंट के पास है, छोटी छोटी चीजें वो, छोटी नहीं मतलब बाकी चीजें प्राइवेट के पास भी है। तो मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब जहां पे अगर पब्लिक और से गवर्नमेंट पीछे हटे, जहां पे उसके डिसएडवांटेज जो गवर्नमेंट के वहां पे आ जाता है, वहां पे ओवर रूल कौन करता है? प्राइवेट। और जहां पे प्राइवेट के डिसएडवांटेज आने लगे तो वहां पे रूल कौन करने लगता है? गवर्नमेंट। मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट की रेलवे है तो फिर मुकेश अंबानी बोलेंगे मैं भी अपनी अलग से रेलवे बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। और मुकेश अंबानी की से रिफाइनरीज है जामनगर, रिलायंस, ओके, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल, मुकेश ने डाली ना हम भी अपनी एक अलग से रिफाइनरीज बनाएंगे, ऐसा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब जैसे भाई बहन हो तो नहीं एक दूसरे की कमियां ऐसे पेरेंट्स से छुपा देते हैं, तूने मेरी बात नहीं बताई थी ना, ठीक है अभी मैं भी तेरी बात एक बात नहीं बताऊं, तूने बता दिया मैं भी बता दूंगा, लाइक दैट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ओके, लाइक दैट। समझ में आ गया होगा, आ गया ना? चलो, देयर इज इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर। भाई इंडिविजुअल भी होती है प्राइवेट भी होती है, कहां कहां पर? एग्रीकल्चर में, देखो वहां पर सोशल सिस्टम में एग्रीकल्चर भी गवर्नमेंट का था, यहाँ पे एटलीस्ट दिया है भाई तुम जाओ खेती करो, एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एक्सेट्रा। वाइल बेसिक की एरियाज, मतलब बेसिक की एरियाज हैवी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जैसे प्लेन बनाना है तो भाई कोई प्राइवेट को नहीं देंगे प्लेन बनाने के लिए। ओके, मिसाइल बनानी है, टैंक बनानी है, डिफेंस, ओके, तो कोई प्राइवेट को थोड़ी देंगे, उसने कुछ गलती कर दी ये वो कितना कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे गवर्नमेंट वो हम ना हमारा कुछ हाथ नहीं, हमने नहीं बनाया, ऐसा थोड़ी बोल सकती है गवर्नमेंट। तो हैवी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, डिफेंस का जो भी मटेरियल हो जैसे मैंने अभी बताया, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा, और ओन्ड बाय द स्टेट। याद रख लेना, एग्जाम्पल एक मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या चीज इंडिविजुअल और प्राइवेट के अंडर में आती है और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो रोड्स, डिफेंस, हैवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये हेल्थ और एजुकेशन वापस दोनों के अंडर में आएगी, क्योंकि जैसे कि प्राइवेट स्कूल भी होती है और गवर्नमेंट स्कूल भी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी होता है, वो दोनों के अंडर में आता है। बट बेसिकली जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, वो सब कुछ प्राइवेट के अंदर में, एंड रेलवे, फैक्ट्रीज, डिफेंस मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वो सब कुछ स्टेट के अंदर। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री। भाई कंप्लीटली फ्री तो मार्केट सिस्टम में था ना, इसीलिए तो उसको फ्री इकोनॉमी बोल रहे थे, लेकिन यहां पर कंप्लीटली फ्री नहीं है। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वे में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मतलब दोनों की शादी हुई है ना तो एक का ही नहीं चलेगा, ओके, कि भाई सिर्फ एक का चल रहा है, नहीं दोनों का चलेगा, समझ में आ रहा है, एक का चलेगा नहीं, तो कंट्रोल ना वहां पे कंपटीशन कंट्रोल करती थी और दूसरे सोशल में गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, करेक्ट, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का भी नहीं और पूरा का पूरा कंपटीशन का भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं है, ओके, सो गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज, कौन से वेज में देखते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग पे ऐसे हैवी टैक्स लगा दिए, बहुत हैवी टैक्स, ओके, 10 रुपए की एक सिगरेट पियो, अब पीते हैं पीने वाले, महंगा नहीं लगता उनको, ओके, बट फुल टैक्स, 50% टैक्स, 100% टैक्स, मतलब भाई जितनी उसकी कॉस्ट है उससे भी, जैसे कि अल्कोहल बहुत महंगा मिलता है, ये देशी की बात नहीं है, ब्रांडेड की बात है,
ओके, बहुत महंगा मिलता है। क्यों? गवर्नमेंट ने टैक्स डाल दिए है भाई, नहीं पीना चाहिए, ये है वो है, इतना समझाया फिर भी तू पी रहा, ज्यादा पैसे दे नहीं थे, तो टैक्स ज्यादा डाल दिया है। तो एटलीस्ट पैसों को ध्यान में रख के तो कोई कम करेगा ऐसी एक्टिविटीज। लेकिन देखो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के पास तो फुल रूल है। अभी तो बहुत ऐसी डिबेट्स चली थी कि भाई गवर्नमेंट बंदी क्यों नहीं कर देती, सपोज टॉबेको सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बंद कर दो पूरी की पूरी, बंद कर दो। और जो भी टॉबेको अगर हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हमारे फार्मर्स, उनको बोलो कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर ना कर रहे हो वही कर रहे हो एक्सपोर्ट कर दो, बाहर बेच दो, इंडिया के लोग ऐसे ही बच जाएंगे, फॉरेन से मंगा के थोड़ी खाएंगे और पिएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे कि कोई चीज यहाँ पे ना मिल रही हो तो क्या हम फॉरेन लेने जाते हैं क्या? फॉरेन से आने की परमिशन भी तो गवर्नमेंट देती है, फॉरेन से कुछ आने की परमिशन भी कौन देता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहेगी नहीं तो कोई बाहर की चीजें यहाँ पे बिक ही नहीं सकती। एप्पल का आईफोन है, गवर्नमेंट चाहती है इसीलिए हम खरीद पाते हैं, नहीं तो तुम ना सोनी खरीद पाते ना एप्पल खरीद पाते, कुछ नहीं खरीद पाते तुम, इन द सेंस हम। समझ में आया? ओके, तो गवर्नमेंट की परमिशन तो है ही, तो ऐसी बहुत डिबेट चली थी। अल्कोहल बैन ही कर दो ना, सब पूरे नेशन में बैन कर दो ना, पर्टिकुलर एक एक स्टेट में, पूरे नेशन में बैन कर दो अल्कोहल। पता ही है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो बंद कर दो, लेने पड़ेंगे। चलो, इन द सेम वे इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज आर एनकरेज्ड बाय गिविंग सब्सिडी एंड रिलैक्सेशन इन द टैक्स। तो भाई बैकवर्ड एरियाज होंगे जैसे कि लग्जरीज आइटम, जो जिसका कुछ भी जरूरत नहीं है, अनवांटेड थिंग्स जो है उस पर हैवी टैक्स लगा दिया, और जो जरूरी चीजें हैं, बहुत ज्यादा नेसेसिटी वाली चीजें हैं, उस पर सब्सिडी लगा दी। भाई तुम सोलर पैनल लगाओ, तुम्हारा बिजली का बिल कम आएगा, थोड़ी सब्सिडी हम देंगे, 50,000 का प्लांट होगा 20,000 हम देंगे, 30,000 तुम देना, लाइक दैट। इलेक्ट्रिकल व्हीकल लो, बायोगैस प्लांट डालो, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट का लोड कम हो रहा है ना, अगर तुम सोलर पैनल डाल रहे हो तो तुम जीईबी में से कम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से कम भी